हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि विंडोज 7 में जो लॉगिन स्क्रीन होती है उसे चेंज कैसे करते हैं। यानी अगर लॉगिन स्क्रीन पे आपको अपना इमेज रखना हो लॉगिन स्क्रीन पे, तो वो कैसे यूज करते हैं वो इस वीडियो हम यूज करेंगे सीखेंगे। जैसे ये जो स्क्रीन हमारी वो लॉगिन स्क्रीन कहलाती है, ये जो स्क्रीन, अगर यहाँ पर हमें हमारे जो कस्टम वॉल पेपर है वो हमें सेट करना है तो कैसे चेंज करते हैं, वो कैसे सेट करते हैं, ये इस वीडियो हम सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसकी कुछ रिक्वायरमेंट हैं कि जो भी आपकी इमेज, जो भी आप इमेज रखना चाहते हैं उसकी साइज़ 252 KB से कम होनी चाहिए या 252 KB होनी चाहिए। अगर उससे बड़ी साइज़ है तो वो नहीं चलेगी। आपको क्या करना है, जो भी आपका इमेज है उसकी साइज़ कितनी होनी चाहिए, 252 KB या उससे कम। उससे बड़ी साइज़ की इमेज यूज नहीं होगी। तो चलिए हमारे पास एक इमेज है, उसकी साइज़ चेक कर लेते हैं। देखिए उसकी साइज़ है 120 KB। और जो भी इमेज आप रखना चाहते हैं उसका नाम आपको क्या रखना है, बैकग्राउंड डिफ़ॉल्ट, ये आपको उस इमेज का नाम देना है। तो इस इमेज को आप कॉपी कर लीजिए, फिर माय कंप्यूटर ओपन कीजिए, फिर सी ड्राइव जहाँ पर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है, उसके बाद विंडोज, उसके बाद सिस्टम 32, उसके बाद OOBE ऑपरेस कीजिए, और उसके अंदर आपको एक नया फोल्डर क्रिएट करना है जिसको आपको नेम रखना है इन्फो, नेम असाइन करना आपको इन्फो। उसके अंदर आपको एक नया फोल्डर क्रिएट करना है फिर से, और उस फोल्डर का नाम आपको असाइन करना है बैकग्राउंड्स। स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं मत कीजिएगा, अगर आप स्पेलिंग में कोई मिस्टेक कर रहे हैं तो भी ये प्रॉब्लम करेगा। उसके बाद जो भी आपकी इमेज है उसको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। चलिए हमने पेस्ट कर दी है, उसके बाद इसको क्लोज कीजिए, फिर रजिस्ट्री ओपन कीजिए, रेक एडिट। उसके बाद में आपको क्या करना है, कहाँ पर जाना है, SQL लोकल मशीन, फिर उसके बाद में सॉफ्टवेयर, फिर उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट, उसके बाद में विंडोज के बाद करंट वर्जन के बाद ऑथेंटिकेशन के बाद लॉगिन UI, और उसके अंदर बैकग्राउंड के अंदर आपको एक नई की क्रिएट करनी है जिसका नाम है DWORD 32-bit वैल्यू, और उस की को आपको नेम देना है OEM बैकग्राउंड। फिर उस पर राइट क्लिक कीजिए, मॉडिफाई, और यहाँ पर आपको जो वैल्यू है वो 1 करनी है, उसके बाद ओके। तो चलिए देखते हैं, उसके बाद रजिस्टर क्लोज कर दीजिए और इस आपकी जो विन मशीन है उसको लॉगआउट करके देखिए। देखिए आपका लॉगिन स्क्रीन चेंज हो चुका है। इस तरह आप विंडोज 7 में लॉगिन स्क्रीन आप चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।